आज हम सभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.10 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.10 में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप बुक में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट के पास बुक भी नहीं है तो जिससे उनको भी प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। दिया है देयर आर 375 मैंगोज इन ए बास्केट। एक बास्केट में 375 मैंगोज हैं। हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन 1025 बास्केट। ईच बास्केट हैज़ द सेम नंबर ऑफ मैंगोज। 1025 बास्केट में कितने मैंगोज होंगे। ईच बास्केट हैज़ द सेम नंबर ऑफ मैंगोज। यदि प्रत्येक बास्केट में मैंगोज क्या हैं, सेम हैं, तब यहाँ पे देखिए हम इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपको विद स्टेटमेंट सॉल्व करना है तो हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए, तो सबसे पहले देखिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे। नंबर ऑफ मैंगोज नंबर ऑफ मैंगोज इन ए बास्केट इक्वल टू 375। ठीक है कि एक बास्केट में कितने मैंगोज हैं, 375। फिर दिया है टोटल मैंग, हम यहाँ थ्री स्टेटमेंट बनाएंगे। टोटल मैंगोज इन 1025 बास्केट्स इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, 1025 मल्टीप्लाई बाय 375। वन बास्केट में 375 मैंगोज हैं तो 1025 बास्केट में मैंगोज क्या होंगे, लेस देन होंगे या मोर देन होंगे, आप सोचिए बताइए। मोर देन होंगे। जब मोर देन होगा तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1025 मल्टीप्लाई बाई 375। आप जो है कॉलम में से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 25 का 5 कैरी टू 5 2 10 प्लस 2 12 5 0 0 तो 1 5 1 5 7 से करेंगे 7 5 35 तो 2 के 7 के नीचे 2 है तो 2 के नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे। 7 5 35 का 5 कैरी ऑन 2 3 3 7 2 14 14 प्लस 3 17 का 7 कैरी 1 7 0 0 तो 1 7 1 7 3 से करेंगे 3 5 15 15 का 5 यहाँ पे देखिए जब 3 से किया गया तो 3 के नीचे रखेंगे 15 का 5 कैरी 1 3 2 6 प्लस 1 7 3 0 0 3 1 3 5 प्लस 2 7 5 यहाँ पे देखिए 7 प्लस 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी 1 5 प्लस 1 6 6 प्लस 7 13 प्लस कैरी 1 14 का 4 कैरी 1 7 प्लस 0 7 7 प्लस कैरी 1 8 यहाँ हो जाएगा 3 तो हो गया टोटल मैंगोज कितना आ गया 3,84,375। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो आप ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें से और हम क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। कौन सा सॉल्व करवा दें, कौन सा सॉल्व करवा दें, हम आपको जो है सॉल्व करवा देते हैं क्वेश्चन सेकंड। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है आशुतोष सेव्स रुपीज 9385 पर मंथ। आशुतोष 9385 पर मंथ जो है बचाता है,
हाउ मच अमाउंट विल ही सेव इन टू ईयर्स फाइव मंथ, टू ईयर्स फाइव मंथ्स में वो कितना अमाउंट सेव करेगा बचाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए हम लिखेंगे आशुतोष सेव्स सेव्स मनी पर मंथ इक्वल टू 9385, ठीक है। आज तो सेव से मनी पर मंथ इक्वल टू 9385। अब यहाँ पे देखिए तो दिया टू इयर्स फाइव मंथ्स में वो कितना बचाएगा, तो यहाँ पे हम कर लेंगे आशुतोष सेव इन टू ईयर टू इयर्स फाइव मंथ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हमारा टू ईयर फाइव मंथ्स दिया है तो कितना बचाएगा, तो हम क्या कर लेंगे इसको मंथ में चेंज कर लेंगे टू ईयर फाइव मंथ्स सॉरी इक्वल टू देखिए टू ईयर फाइव मंथ्स यहाँ हम सिखाएंगे, सो वन ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, वन ईयर इक्वल टू 12 मंथ, हेंस टू ईयर इक्वल टू 12 इंटू टू मंथ्स होगा कि नहीं होगा, फिर हम दाखिल में कर लेंगे टू ईयर्स फाइव मंथ्स इक्वल टू 12 इंटू टू प्लस फाइव मंथ्स, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 12 टू जा 24, 24 प्लस 5 29 मंथ्स, ईयर मंथ्स चेंज इन टू मंथ्स तो कितना आ गया 29 मंथ्स। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं रुपीज, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं दिखाई दे रहा है, लास्ट में दिखाई दे रहा है, अब आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए हम इसको कर सकते हैं 9385 मल्टीप्लाई बाय 29 टोटल मंथ्स जितने उसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको मल्टीप्लाई करके जो है आंसर फाइंड कर लेंगे 9385 मल्टीप्लाई बाई 29, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर फाइंड हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर लिया जाता है 9545 5 4 9872 प्लस 4 76 7 9 3 27 7 plus 7 27 plus 7 34 का 4 कैरी 3 9 9 81 प्लस 3 84 हमने 9 से कर लिया, फिर 2 से करेंगे 2 5 10 10 का 0 करिया 1 2 8 16 16 प्लस 1 17 का 7 कैरी 1 2 3 6 6 प्लस 1 7 9 या 15 ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लीजिए 5 6 7 प्लस 4 11 7 प्लस 4 11 प्लस कैरी 1 12 8 प्लस 8 16 16 प्लस कैरी 1 17 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कैरी 1 2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,72,165, ठीक है।
ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप एक्सरसाइज 2.10 के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो गूगल क्लासरूम ऐप पे कमेंट करके बताइए।